नमस्कार, आगे बढ़ते हैं आजीविका 23। और आज हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे देश की मजबूरी है कि आज भी लोग सरकारी नौकरियों के लिए लंबी कतार में खड़े हैं। और ये प्रश्न हमेशा आता है कि सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। आज से 40, 50, 60, 70 साल पहले अगर ये बात होती थी तो बहुत साधारण होता था समझना, क्योंकि नौकरी मिलेगी तो सरकारी ही मिलेगी, प्राइवेट में बहुत कम काम हुआ करता था। और अब क्या है कि सरकारी नौकरियों को धीरे धीरे सीमित किया जा रहा है, जनसंख्या बढ़ गया, आबादी बढ़ गई और सरकारी नौकरी कम होते जा रहे हैं। लेकिन ये प्रश्न कम नहीं हो रहा, लोग अपने कई एक साल बर्बाद कर देते हैं सरकारी नौकरी के प्रयास में। 3 साल 4 साल 5 साल तक शादी नहीं करते, नौकरी मिल जाएगी तब लगे रहते हैं, कोचिंग करते रहते हैं, कई एक पुस्तकों को पढ़ते रहते हैं, लेकिन सबका तो होता नहीं। और 100 में 10 का होता है तो 90 पिछड़े रहते हैं। अब वो जो पिछड़ने वाले लोग हैं, क्या उसके पत्रिका में क्या ऐसा गुण दोष था, या जो सफल होने वाले लोग हैं उसके पत्रिका में क्या ऐसा गुण दोष था। पढ़ा सबने, एग्जाम सबने दिया, याद सबको बराबर था या बहुत सारे लोगों को बराबर था। जो 1-2 नंबर से पिछड़ जाते हैं, आप समझते होंगे ना कि उसको कहीं ना कहीं उसका लक फेवर नहीं करता होगा। जो सक्सेस हो गया उससे 2-3 पायदान नीचे था, पढ़ने में उतना होशियार नहीं था, लेकिन परिश्रम उसने भी किया था, लकली उसके जवाब सही हो गए। अगर उसने 2-4 इधर उधर से भी जवाब लगाए, हम लोग कहते हैं ना तुक्का लगा करके जवाब दे देना बिना विचार के कि चलो अगर सही हो गया तो 1 नंबर तो आ ही जाएगा, वैसे 1-2 नंबर प्राप्त करके जो सफल हो जाते हैं, और वैसे जो बहुत ध्यान से करते हुए भी 1-2 नंबर से पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे जातक में यहाँ परिश्रम के साथ साथ उसका लक काम करता है, ये जानना जरूरी है। और आज का पाठ सरकारी नौकरी पर आधारित है। आप सुनते हैं, हम तो चैनल पे कभी कभी सुनते रहते हैं कि चपरासी के पद के लिए 1 लाख से ऊपर इंजीनियर लोगों ने या पीएचडी होल्डरों ने या जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं। तो सरकारी नौकरी का क्रेज भी है, महत्व भी है, यही हम लोगों को पता चलता है। क्यों? उसमें एक स्टेबिलिटी है कि एक नियमित पैसा मिलेगा और हर समय पैसे में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता जाएगा। जिसने 5,000 पे ज्वाइन किया वो आज 70,000 पे रिटायर होते हैं। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि जीवन सुरक्षित हो जाए यदि सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन हम आप लोगों से कहेंगे कि अगर 4-5 साल आप परेशान हुए और नहीं मिली, तो ये जो 4-5 साल तक भटकते हैं तो क्यों भटकते हैं? तो ये 4-5 साल में यदि कहीं जॉब कर लिए होते तो कुछ ना कुछ तो अर्न कर लिए होते। एक तो अपने सामर्थ्य को समझ लीजिए और दूसरे अपने पत्रिका को समझ लीजिए। अच्छे ज्योतिष मिलते हैं तो विवेचना कराइए कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। चलिए सबसे पहले कहेंगे कि सरकारी नौकरी, मेष से लेकर के मीन कोई भी लग्न होगा। मेष लग्न होगा तो सूर्य मानते हैं अच्छा, वृष लग्न होगा तो सूर्य अच्छा नहीं मानते, मिथुन लग्न के लिए सूर्य को अच्छा क्यों माने, तो ऐसे क्या है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि सूर्य सबसे पहले कौन, सूर्य सरकार सरकारी नौकरी दोनों के लिए काम करता है। सूर्य ही सरकार है और सूर्य यदि बलवान है तो सरकारी नौकरी की उम्मीद करनी चाहिए। यह पहला पादान है। अब हम आपको वही बताना चाह रहे थे कि मान लीजिए कि लग्न की जो पत्रिका है तो किसी लग्न में सूर्य शुभ है और किसी लग्न में सूर्य अशुभ है, तो अशुभ होने के बाद भी क्या सूर्य को ही देखना चाहिए? यह सबसे ज्यादा जरूरी। मान लीजिए 6ठे का स्वामी सूर्य है, मान लीजिए 8वें का स्वामी सूर्य है और 12वें का स्वामी सूर्य है किसी का, कन्या लग्न की पत्रिका 12वें का स्वामी सूर्य, तो ऐसे में क्या सूर्य ही सरकारी नौकरी दिलाएगा?
तो आप लोगों को जो हम हमेशा कहते हैं कि ग्रह अपने भाव के साथ साथ अपने कारकत्वों का, जिसको हम स्वतंत्र कारकत्व बोलते हैं, उसका भी फल करता है। इसीलिए कोई भी लगन हो जाए, मेष से लेकर के मीन, कोई भी लगन हो जाए, सूर्य का बलवान होना जरूरी है। ये तो मान करके ही चलें कि सूर्य बलवान नहीं तो सरकारी नौकरी नहीं। अब सूर्य बलवान कौन कौन से भाव में, तो ये इस पक्ष में बलवान होता है। अगर वो दसवें में हो, ग्यारहवें में हो तो बहुत बलवान है। अब क्या है कि तीसरे, छठे और ग्यारहवें में अशुभ ग्रह है, अशुभ स्थान में भी बलवान होता है। और इस बल को भी, इस बलवान को भी यदि आप षडबल से देखें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ये नहीं कि सूर्य 27 डिग्री का है या फिर 2 डिग्री का है या 15 डिग्री का है। तो सूर्य का बलवान होना मेष आदि किसी भी राशियों के लिए जरूरी है। हम किस राशि की पत्रिका देख रहे हैं ये समझना उतना जरूरी नहीं है, जितना समझना ये जरूरी है सरकारी नौकरी के लिए कि सूर्य कितना बलवान है। अब दूसरा ग्रह कौन, दूसरा ग्रह गुरु है। गुरु निरंतरता देता, गुरु स्थायित्व देता, गुरु मन को संतोष देता, गुरु शांति देता। और गुरु का यदि ये ब्लेसिंग देने, आशीष देने वाले ग्रह हैं। अगर गुरु की कृपा ना हो तो सूर्य बहुत बलवान होकर के भी हमको सरकारी नौकरी नहीं दे सकता, ऐसा मैंने कई एक बार देखा है। तो अब गुरु कैसे बलवान होगा, अब गुरु क्यों बलवान होना चाहिए, गुरु को ताकत क्यों होना चाहिए, उसको भी समझिए। गुरु कारकत, गुरु दूसरे का कारक, गुरु पांचवें का कारक, गुरु भाग्य का कारक और गुरु लाभ का कारक। ये तो बिना कहे इतने भावों का फल इनको देना है, क्योंकि ये गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो चार चार भावों के कारक है। इसीलिए तो इसको सबसे शुभ कहा गया। धन होगा कि नहीं होगा, गुरु अच्छा है तो धन होगा। विवेकी होंगे कि नहीं होंगे, गुरु अच्छा है तो विवेकी होंगे। भाग्य का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गुरु अच्छा है तो भाग्यवान होंगे, लक फेवर करेगा। निरंतर लाभ आएगा कि नहीं आएगा, गुरु यदि अच्छा है तो आपको निरंतर लाभ भी आएगा। तो गुरु कितना जरूरी है। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, गुरु ही आशीष देने वाले ग्रह। तो गुरु के आशीष के बिना न संतान होता, न किसी की कहीं नौकरी होती, सरकारी तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट नौकरी में भी बाधा उत्पन्न होती, न हम अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। इसीलिए गुरु का पत्रिका में ठीक होना जरूरी, और फीमेल जातक के लिए तो और जरूरी। क्यों, क्योंकि आज भी जो महिलाएं हैं वो 90% हाउसवाइफ हैं। ठीक है, हम मेट्रोज में देख लेते हैं कि मेट्रोज में भी यदि आप देखेंगे तो आपको 60-70% महिलाएं हाउसवाइफ मिलेंगी। जब हाउसवाइफ हैं तो उनको फिर कैसे लाभ होगा, तो पति से लाभ होगा, पुत्र से लाभ होगा, धन से सुख मिलेगा। तो ये पति पुत्र और धन के लिए क्या देखना है, गुरु देखना है। भाव भावेश कारक तो आप देखिए ही, लेकिन गुरु का महत्व कितना है। संतान होगा या नहीं होगा गुरु बताएगा, चाहे वो मेल की पत्रिका हो या फीमेल की पत्रिका हो। तो गुरु का बहुत महत्व है। अगर गुरु पत्रिका में बलवान हो, अब बलवान का मतलब तो आप लोग ये भी समझ ही जाते हैं कि बलवान का मतलब है, एक तो सबसे पहले ये भी समझिए कि केंद्र त्रिकोण में हो। षडबल तो देखना ही है, लेकिन हमको इन आंखों से बिना कहे अगर कुछ दिख जाए कि दशम में हो, एकादश में है, नवम में हो, सप्तम में हो, लग्न में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, तो केंद्र त्रिकोण में हो तो अच्छा, पराक्रम में हो तो अच्छा, धन में हो तो अच्छा, लाभ में भी अच्छा, 6-8-12 में अच्छा नहीं कहा जाता।
तो ये तो हमको समझ में आ गया कि सूर्य बलवान हो और गुरु का सहयोग प्राप्त हो तो हमको सरकारी नौकरी लगेगी। अब तुला राशि का भी सूर्य यदि यहां है तो वो आपको बलवान दिखेगा, आप सड़वल में जाकर के देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये दिग्बली यहां होते हैं और इस क्षेत्र में इनको अधिक ताकत प्राप्त है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब क्या है कि सरकारी नौकरी में चापरासी से लेकर के अधिकारी तक की नौकरी प्राप्त होती है। अब आप किस पोस्ट पे जाते हैं, आपको पढ़ने लिखने से तो कोई मतलब ही नहीं है। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर हैं, फिर भी आप यहाँ प्यून की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, ढेरों समय कोचिंग में बर्बाद करते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हो जाए, रेलवे में हो जाए, बैंक में हो जाए। तो अब है क्या कि आपके सूर्य और गुरु के पास कितना बल है, अधिकारी बनाने का बल है या नहीं है। अगर अधिकारी बनाने का बल नहीं है तो कितना बल है। हम तैयारी, हमने, हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए हैं जो 10-10 साल से जो है आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कभी मेंस में हो गया, एक आध बारी इंटरव्यू में नहीं हुआ। अगर वो पहले 2 साल में हो गया तो वो फिर 12 साल लगा देते हैं कि एक बार तो मैंने निकाला था। तो ऐसे सभी लोगों को कहना चाहेंगे, आप अपने सामर्थ्य को खुद समझते हैं और जो नहीं समझते हैं वो अच्छा ज्योतिष आपको बता सकता है कि आपको करना क्या चाहिए। आप 10 साल 12 साल 85 के पैदाइश आज तक नौकरी नहीं कर रहे हैं तो जब ये प्रश्न आता है तो तकलीफ भी होता है। तो हम क्या कहेंगे कि सूर्य और गुरु के ताकत को अनुपात में समझने का प्रयास करेंगे, अन्य ग्रहों से कितना पीड़ित है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तब हमको पता चलेगा कि जातक किस ग्रेड में नौकरी करेगा, अधिकारी बनेगा या चपरासी बनेगा, फौज में जाएगा या पुलिस की नौकरी करेगा, ये भी सवाल हो जाएगा। हम चिकित्सक बनेंगे कि इंजीनियर बनेंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे कि प्रोफेसर बनेंगे। तो ये सब समझने के लिए आजीविका निर्धारक आपको समझना है, पीछे हमने पढ़ाया हुआ है तो वो वहां से आप समझ लेंगे। लेकिन पत्रिका में अब प्रोफेसर बनेंगे तो सरकारी कॉलेज में जाएंगे या प्राइवेट, बहुत सारे कॉलेज खुले हुए हैं, वहां जाकर के काम करेंगे। अब तो प्रश्न आता है कि अब भी नियोजित हैं परमानेंट होंगे कि नहीं, समस्याएं बहुत हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना सरल नहीं होता कि ज्योतिष के पास जाएं और 2 मिनट में आपको हल बता दे। तो चलिए, यहां हम लोगों ने क्या समझा कि सूर्य और गुरु का बलवान होना जरूरी। अब आगे हम लोगों को यह समझना है कि चलिए सूर्य और गुरु बलवान भी हो गया तो क्या और देखें। तो हम कहते हैं तीसरे नंबर पे अनुकूल दशा, और ये भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी सूर्य है, जितना जरूरी गुरु है, उतना ही जरूरी है अनुकूल दशा है। आपके पत्रिका में ग्रह बलवान है, दशा प्रतिकूल है, समय ही साथ नहीं दे रहा आपको। आप मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, आप स्कॉलर रहे लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही आप यहां अटेम्प्ट लेना प्रारंभ किए, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना शुरू किए, दशा आपकी प्रतिकूल हो गई। तो जब दशा प्रतिकूल हो जाए तो फिर हमारा ग्रह क्या करेगा। तो हमेशा लोग कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है, तो ये समय बलवान होता है ये बोलते सभी हैं, लेकिन जानते कौन है, जिनको दशाओं का ज्ञान होता है वो आपके समय को समझ सकते हैं कि आपका समय बलवान है या कमजोर है। मान लीजिए मेरे पास कोई आ जाता है और कहता है कि हम तो उच्चाधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमको आईएएस में जाना है, स्टेट लेवल पे अधिकारी बनना है,
और उसकी उस समय की दशा कमजोर है, तो क्या आने वाले 2 साल के बाद ऐसी दशा लग रही है जहां वो सफल हो जाएगा? या आने वाला 2 ही साल बचा है जहां वो सफल हो सकता है, उसके बाद वो चाहे 10 साल मेहनत कर ले वो सफल नहीं होगा। तो इस दशाओं को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ठीक है, कोई पूछ लेता है हमसे कि सरकारी नौकरी होगी, हमने यदि कह दिया होगी तो कौन सा दोबारा हमको पूछने आएगा? ये कभी मन में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके जवाब से उसका बहुत समय बर्बाद होगा। यदि आपने कह दिया कि हो जाएगी और पत्रिका बताता है कि होगी ही नहीं, तो उसका कितना समय बर्बाद हो जाएगा? वो 4-5 साल तक लगा रहेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसके पिताजी पैसे दे दे करके थक जाएंगे। तो हम इसलिए ज्योतिषियों को कहते हैं, संभव हो तो जवाब को सोच समझ करके देना चाहिए, अन्यथा कहिए कि पता नहीं चल रहा, आगे देख लेंगे। तो ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए। सबसे पहला जरूरी क्या? सूर्य का बलवान होना, दूसरे में गुरु का बलवान होना, और तीसरे में अनुकूल दशा का होना। यदि ये 3 चीज आपके पत्रिका में ठीक है, समय पे प्राप्त हो रहा है दशा, तो आप सक्सेस करेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी। अधिकारी होंगे नहीं होंगे वो बलाबल पर निर्भर करेगा। लेकिन एक और बात है, वो है ट्राइन का स्वामी 159, ये त्रिकोण के स्वामी। लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, ये बिल्कुल सेपरेट है। अगर ये तीनों स्वस्थ हो और प्लेसमेंट अच्छा हो तो भी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। लेकिन वहां भी सूर्य और गुरु को देखना जरूरी है, तब सरलता से मिल जाएगी, बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। बहुत लोगों को देखा, चार्टर्ड सीए का पढ़ाई पढ़ रहे हैं 10 साल तक, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं 4-5 साल तक, फिर जाकर के हमारा होता है। और किसी को क्या देखते हैं कि करंट में निकाल दिया, दोनों ग्रुप निकाल लिए, पहले अटेम्प्ट में ही पीटी और मेंस निकाल लिया, पहले अटेम्प्ट में ही मेडिकल निकाल लिया। तो दशा अनुकूल के साथ साथ उसके वर्तमान समय का 9th भाग्य, लग्न खुद आप कितने बली हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितने सामर्थ्यवान हैं, और 5वां कितने विवेकी हैं, और 5वां पिछले जन्मों से क्या लेकर के आए हैं। तो यदि हम सभी बातों को ध्यान में रख करके किसी को भी बताएंगे तो निश्चित रूप से भूल होने की संभावना कम होगी। तो हमारा प्रयास वही है, आपका भी प्रयास वही होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि सरकारी नौकरी के विषय में हम लोग कैसे बताएंगे। आखिर में हम ये भी कहना चाहेंगे कि अब सिर्फ सरकारी नौकरी बताना बंद करना चाहिए। ये बताइए कि अगर आपके सूर्य गुरु और ये जो अनुकूल दशा है अच्छे योगों में है, तो सरकारी नौकरी जैसा या लाइफ जहां भी आपको ले जाएगा, प्राइवेट कंपनियों में भी काम करेंगे तो बड़ी कंपनियों में काम करेंगे, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। वहां आपको पैसे भी अधिक मिल जाएंगे और सिक्योरिटी की चिंता नहीं होगी। तो इसीलिए अब जो मान लीजिए कोई टाटा की कंपनी में काम करते, रिलायंस कंपनी में अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं, परमानेंट है, तो उसको कहां प्रॉब्लम है? यदि वो हमेशा परिश्रम करते रहते हैं तो उनको तरक्की भी मिलती है और तनख्वाह भी अच्छा मिलता है। तो इसीलिए ऐसे जगहों पे यदि वो नौकरी कर रहा है तो उसको सरकारी नौकरी के ही समतुल्य कहना चाहिए, ये आप लोगों को समझना है। और पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारा जहां तक ज्ञान होगा हम आप लोगों का मदद करेंगे। हाँ, यदि पाठ आप लोगों को पसंद आता हो तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कुछ ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन यदि पाठ समझना है तो पाठ को प्रारंभ से अंत तक पढ़िए, और 2-4-10 पाठ पढ़िए, अपने आप आपकी रुचि भी जगेगी
ज्योतिष का भी भला होगा और हमारा आपका तो होगा ही। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।